नमस्कार साथियों, नॉलेज मुक्त चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और HSSC के पैटर्न पर ही एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं। आपको पता है, वो HPSC का हो या फिर HSSC का हो, ठीक है। और अब जो है पैटर्न नया क्या है, वो किस पैटर्न पर हैं, तो आज हम बात करते हैं उसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की, किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं उसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं। इस पर्सन के में 5 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, रीजनिंग का है। यदि उन सभी को वर्णानुक्रमानुसार, ठीक है, वर्णानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें, जैसे कि शब्द कोश में, तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बटरफ्लाई, बटर, बटन और बच्चर। तो हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। सोनिया राहुल, और दूसरा क्वेश्चन है, सोनिया राहुल और रमण वृत्ताकार पगडंडी के चारों ओर दौड़ते हैं, एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः उन्हें 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट लगते हैं। यदि वे तीनों इकट्ठे 11:45 पर सुबह जो है 11:45 पर दौड़ना आरंभ करते हैं, तो वह आरंभ बिंदु पर कब मिलेंगे? तो आपको पता है ये कैसे क्वेश्चन निकलेगा, इसका एलसीएम आएगा और उसको मिनट आगे ऐड कर देंगे 11:45 पर जो भी आएगा उसको, ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी स्थान की जनसंख्या से संबंधित है? जनसंख्या में नैसर्गिक वृद्धि तथा वृद्धि और साथ ही प्रजनन से कोई भी कुल वृद्धि, जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर न तो एक और न ही दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष सदाबहार वृक्ष, विशेष सदाबहार वृक्ष है, एक स्पेशल ट्री है, ठीक है, जो हमेशा कैसा है, एवरग्रीन है, जो मध्य भारत में उगता है। विशेष वृक्ष के गुद्देदार जो जहरीले फल हैं, हाल ही में वृक्ष की छाल से एक पदार्थ टैक्सोल पाया गया है, जो कैंसररोधी आशाजनक औषधि की जा सकती है। तो उपयुक्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? टैक्सोल जहरीली होती है, जब स्वस्थ लोगों द्वारा ली जाती है। टैक्सोल ने विभिन्न रोगों से ग्रस्त लोगों को ठीक किया है। लोगों को विशेष वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। टैक्सोल की खोज से पहले विशेष वृक्ष को व्यर्थ समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, हेग में, स्टॉकहोम में। आगे, वैज्ञानिकों ने आकलन किया कि पृथ्वी की औसत एल्बिडो प्रकाशानुपात दर लगभग है। इसका ऑप्शन है 35%, 60%, 30% या 70%। क्वेश्चन आगे 7 का है, हम हिंदी के क्वेश्चन ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी के ही होते हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन को ही हम पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये, श्रीमती अमिता ने लंच पर अपनी जो है इसको नहीं पढ़ेंगे हम, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक आग प्रकार की आपदा कौन सी है? बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी या भूस्खलन? जो भारत के मेघालय राज्य है उसमें सर्वाधिक जो डाइजेस्टर होता है यहाँ, ठीक है, कॉमन टाइप डाइजेस्टर मेघालय, आग नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। जो इसका इंग्लिश देखते हैं हम, तो विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाइजेस्टर इन मेघालय स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब जो आप प्राकृतिक आपदा आती है, सर्वाधिक आपदा है प्राकृतिक, वो कौन सी है, ठीक है। हिंदी का वर्ण इसमें जो है ट्रांसलेशन में आग का प्रयोग हो रखा है, लेकिन आग नहीं आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक स्थान के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो औद्योगिक स्थान के लिए जो है बाजार, पूंजी, पावर, जनसंख्या घनत्व, ये इसके ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री पब्लिश ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? वित्त मंत्रालय करता है, विदेश मंत्रालय करता है, गृह मंत्रालय या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है 11 का, निम्नलिखित कूट में से कौन सूती वस्त्र उद्योग की
अवस्थिति का प्रमुख कारक है या फिर हैं। एक इसमें जो है पहला जो दिया प्रश्न कोड, ठीक है, जो आपका प्रथम दिया गया है ये इसमें कूट दिया गया है, वो है कच्चे माल की उपलब्धता कपास उत्पादक क्षेत्र में, जनसंख्या घनत्व बाजार, अति कुशल श्रमिक। अब इसमें बताइए सही कूट कौन सा, केवल एक, केवल एक और दो, केवल तीन या फिर सभी। आगे प्रश्न है 12 का, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की जीवन पर्यंत पेंशन आरंभ शुरू किया है, तो HIV या एड्स, TB, डेंगू या चिकनगुनिया। तो डेंगू और चिकनगुनिया नहीं है, आप बाकी इसमें से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त शांति मिशन 2018 में पहली बार शंघाई सहयोग संगठन SCO के अंतर्गत पाकिस्तान और भारत के बहुराष्ट्र आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एक अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, रूस या फिर इस डी में जर्मनी। अगले में कथन दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का उपभोग के कारण खाद्य विषाक्तता बढ़ रही है, जो केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग के जो हैं वो कंजप्शन ऑफ इन लिन्यो लिक्योर आर इंक्रीजिंग इन रूरल एरियाज। तो इसकी जो मान्यता है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने वाले लोगों की प्रतिशत ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें बहुत हैं। उपयुक्त कथन और मान्यताओं के आधार पर निम्नलिखित कौन सा सबसे उपयुक्त है, केवल मान्यता एक अंतर्निहित है, केवल मान्यता दो अंतर्निहित है, एक और दोनों अंतर्निहित हैं, और न ही एक और न ही दो अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, कौन सा शब्द अन्य सब के साथ मेल नहीं खाता है, आँख का श्वेत पटल यानी कि कॉर्निया या फिर रेटिना जिसे दृष्टिपटल बोलते हैं, पुतली प्यूपिल या फिर विजन दृष्टि। अगला है, ऊर्जा के सही अनवीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए, हाइडल, तापीय, सौर या पवन शक्ति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत PNDT अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है, तो इसके ऑप्शन है यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन 18 का, भिन्न मानचित्रों के ह्रासमान क्रम में मानचित्र के पैमाने का अनुक्रम क्या होगा, भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र या फिर तीसरा दीवाल मानचित्र, ग्लोब। तो इसमें बी ऑप्शन में जो है ग्लोब, भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, दीवाल मानचित्र, सी में है दीवाल मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र या फिर स्थलाकृति मानचित्र, ग्लोब। डी में है दीवाल मानचित्र, ग्लोब, स्थलाकृति मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र। अगला क्वेश्चन है 19 का, यदि पी गुणा इंगित करता है, पी जो वो मल्टीप्लाइड को डिनोट करता है, आर एड को डिनोट करता है, और एस जो है वो घटा और टी विभाजन इंगित करता है, तो ये बताना है आपको 16P 4T 8R 12S 5, ठीक है, कितने के बराबर होगा, 80 के बराबर होगा या 54 के बराबर होगा, 15 के बराबर होगा या फिर 75 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के जनांकीय वितरण से संबंधित कथनों का सही चित्रण करता है, केरल में बच्चों की जनसंख्या का अनुपात निम्न है जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में यह उच्च है, केरल में वृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात उच्च है एवं जम्मू कश्मीर में निम्न है, तो सही विकल्प बताओ, केवल एक या केवल दो, एक और दो, दोनों, नहीं एक और नहीं दो। कृत्रिम बुद्धि क्या है, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ रखी है, तो क्या है, मशीन को बुद्धिमान बनाना, अपनी बुद्धि के साथ प्रोग्रामिंग करना, कंप्यूटर में और ज़्यादा मेमोरी डालना, कंप्यूटर में अपनी बुद्धि डालना। अगला है 22 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उपज
हाई यील्डिंग किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, धान, गेहूं, ज्वार या दालें। अगला क्वेश्चन है, यह कथन ज्ञात करें जो प्रदत्त जानकारी के अनुसार सत्य है। वह कथन ज्ञात करो, ठीक है, क्या है? सुमन 12 वर्ष की है, 3 वर्ष से वह अपने माता पिता से कुत्ते की मांग कर रही है, ठीक है, कुत्ते को पूछ रही है। उसके माता पिता ने उससे कहा कि उनका मानना है कि कुत्ता अपार्टमेंट में खुश नहीं रहेगा, परंतु उन्होंने उसे चिड़िया लाने की अनुमति दे दी है। सुमन ने अभी निर्णय नहीं किया है कि वह किस प्रकार की चिड़िया लेना चाहती है। तो सुमन के माता पिता को कुत्तों की तुलना में चिड़िया ज़्यादा पसंद है, या फिर सुमन को चिड़िया पसंद नहीं है, या फिर जो है सुमन और उसके माता पिता अपार्टमेंट में रहते हैं, सुमन और उसके माता पिता अपार्टमेंट छोड़ देना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान, अगला है भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन, सॉरी पाकिस्तान और चीन। क्वेश्चन नंबर 25 में है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, WAN WAN की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? यह प्रोग्रामिंग की भाषा है जो कंप्यूटर के विवरण के सशक्त अमूर्तीकरण या संक्षेपीकरण से संबंधित है। वे कंप्यूटरों का संग्रह है जो अपना डाटा, सूचना व अन्य सर्वसामान्य हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने के लिए केबलों के माध्यम से एक दूसरे के अन संबंधित होता है। कंप्यूटर नेटवर्क जो सी का ऑप्शन है, कंप्यूटर नेटवर्क जो व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि कोई भी नेटवर्क जिसकी संचार व्यवस्था महानगरों, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय परिसीमाओं को एक दूसरे से जोड़ती है। डी का है, कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें ऑफिस या इमारतों जैसे कि स्कूल या एयरपोर्ट के छोटे समूह शामिल रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 का, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, रीता दक्ष पेस्ट्री रसोइया है जो शादी ब्याह के लिए अपने कलात्मक, तो बड़ा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। अगला, 1 दिसंबर, यदि 27 का क्वेश्चन है, यदि 1 दिसंबर 1991 को पहला रविवार है तो दिसंबर 1991 में चौथा मंगलवार किस तिथि को होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें दिया है ग्रीन सूट्स लिमिटेड व्यवसायों को आईटी समाधान करने के का व्यवसाय करती है। आजकल ये कंपनी USA और जर्मनी में को अपनी सेवाओं का निर्यात करती है। वर्ष 2017 में USA और जर्मनी को निर्यात 5:2 के अनुपात में था 2017 और 18 में USA को निर्यात के अनुपात 5:3 था, ठीक है, और जर्मनी को जो था 2:3 था, और 2018 में कंपनी ने UK को भी निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2018 के ग्रीन सूट्स लिमिटेड का कुल निर्यात का जो 40% UK को हो गया। अब 2017 में जर्मनी को निर्यातों का मूल्य $12 मिलियन था, तो 2018 के UK के निर्यातों का मूल्य क्या था? 24 या फिर डॉलर में आएगा इसका आंसर, 32, 27 या फिर 36। भूगोल में किसी भी जगह का स्थल क्या संकेत करता है? स्थान की बाह्य विशेषताएँ, 29 का क्वेश्चन है ये, शहर के केंद्रों को ठीक स्थानन, प्राकृतिक संसाधनों का अथवा परिवहन मार्गों को निकटता, या फिर स्थान की आंतरिक स्थानिक विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है आगे, क्वेश्चन है 30 का, ₹1,250 के व्यय का निम्नलिखित मदों पर किया गया प्रतिशत भाग इस तालिका में दिया गया है। क
खर्च किया गया है और प्रतिशत भाग दिया गया है। आवास गृह का जो किराया है हाउस रेंट वो 29% है। बच्चों के लिए स्कूल फीस 5% और ग्रोसरी की खरीद जो है 36%, यातायात का खर्चा 18, मनोरंजन व्यय 12। अब बताइए ग्रोसरी की खरीद एवं आवास गृह के किराए पर कितना व्यय किया गया है। ठीक है, तो कितना व्यय किया गया है, तो ये जो है आप 1250 रुपये का प्रतिशत के अनुसार पैसे निकालेंगे और आगे आएगा। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमाचल प्रदेश, एक तरफ ए बी सी डी दिए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। सूची दूसरी दी गई है सूची पारा प्रपात, कसूली प्रपात, गाथा, ठीक है, या फिर बुंदला प्रपात। अब ये इनके मिलान दिए गए हैं, ए के साथ किसका है, बी के साथ किसका है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि 2000 रुपये 10% की दर से निवेश किए जाते हैं, 10% की दर से निवेश किए जाते हैं और जिसे 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज को संयोजित किया जाता, ठीक है, इस राशि को उतनी ही अवधि के लिए 9% की वार्षिक सरल ब्याज की दर पर निवेश किया जाता, तो मिश्र ब्याज और साधारण ब्याज के जो राशियां हैं उनका अंतर बताओ। क्या कह रहा है, जो है ना 12% जो 2000 रुपये हैं उसको 10% दर से निवेश करते, ठीक है, और 3 वर्षों के लिए उसे चक्रवृद्धि करके समायोजित किया जाता, यानी कि जो 10% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाता या फिर 9% की दर से, ठीक है, जो है 3 वर्ष के लिए ही साधारण ब्याज से दिया जाता, तो उनका अंतर कितना होगा। 122 रुपये, 62 रुपये, या फिर 392, या 209। इस अनुक्रम को देखें, सीरीज को देखें, 75, 65, 55, 45, 85, 35। देखिए एक बार 75 है, फिर बढ़ गया, ठीक है, 65 था, घट गया, 55 हो गया, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो आप इसको ऑप्शन देख सकें, 25, 15, 25, 85, 35, 85, 35, 25 और 25, 55। आगे निम्नलिखित प्रश्न जो हैं 34 से 50 तक, निम्नलिखित प्रश्न जो हैं प्रश्न संख्या 34 से 50 तक अंग्रेजी भाषा के बोधनिक परीक्षण के लिए हैं, इसलिए इन प्रश्नों का हिंदी संस्करण नहीं दिया जा रहा है, तो आगे इंग्लिश के ही हैं ये प्रश्न, तो इसलिए इनका हिंदी संस्करण नहीं है। फाइंड द वर्ड दैट नेम्स ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फेसिमाइल वर्ड है तो इसका हमें बताना है, पिक्चर्स होगा, इमेज होगा, या फिर मेमियोग्राफ या फिर कॉपियर। व्हाट डज ए फॉर्मल रिजनेशन एंड रिन्यूशन ऑफ पावर्स मीन्स, ठीक है, इसका क्या होगा। फाइंड द वर्ड ऑफ कंप्लीट ऑफ कंप्लीट्स द बॉटम रो ऑफ वर्ड्स, फेंस, वॉल, बाउंड्री, पाथ, ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, 38 का भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस 39 में भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, 40 का भी, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हम इसमें नहीं देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। फाइंड द वर्ड दैट नेम नेसेसरी पार्ट और अंडरलाइन वर्ड, ये वही है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, माउथ के द्वारा, या कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, सर्कुलेशन। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग, मेकिंग लॉस ऑफ लॉट ऑफ फस फॉर ए ट्रेवलेटरी, मेकिंग मेमोरेबल इवेंट्स फॉरगेटेबल, मेकिंग थिंग्स लुक स्मॉल, मेकिंग थिंग्स लुक इजी, ठीक है। विच वर्ड डज नॉट
बिलोंग विद द अदर्स, ऐसा वर्ड्स जो दूसरे के साथ नहीं है, तो अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट या फेमिलियर। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, ये भी और 45 का भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। फिल इन द गैप, यहाँ गैप फिलिंग आपको भरना है, क्या है फिलिंग्स है, ब्लैंक्स। पीपल ऑल ओवर, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग लॉन्गर हावर्स, तो इन जनरल, फिर ऑल्दो, हाउएवर, डिस्पाइट। फाइंड द पेयर दैट हैज ए सिमिलर रिलेशनशिप, पास्टोरल या रूरल, तो इसके बारे में जो है पेयर फाइंड आउट करना है। फाइंड द पेयर दैट हैज ए सिमिलर रिलेशनशिप, यहाँ पर भी कैंडिड इज टू इनडायरेक्ट एज ऑनेस्ट इज टू, ठीक है। यहाँ पर सीरीज फाइंड आउट करनी है, इस श्रृंखला को देखें, एफ ए जी, जी ए एफ, एच ए आई, आई ए एच, आगे क्या आएगा और के ए जे है, तो जे ए क्या आएगा या फिर एच ए एल आएगा, फिर या एच ए के आएगा या जे ए आई आएगा, क्या आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 52 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था के टेक ऑफ स्टेज, उत्थान अवस्था को सही ढंग से चित्रांकित करता है। इसका अर्थ है कि संतुलित विकास प्रारंभ हो गया है, इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था ठहरी हुई है या फिर विकास रुद्ध है, इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था से सभी नियंत्रण हटा दिए गए हैं, इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था नष्ट होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का असोपित घनत्व निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, गणितीय घनत्व, कृषि घनत्व, पोषणीय घनत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई के से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, राखीगढ़ी, सीसवाल, रोहतक, करनाल। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़, हरियाणा जिले के माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, गुरुग्राम, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रोहतक, इसके ऑप्शन दिए। विश्व का प्रथम मानवाधिकार टीवी चैनल निम्नलिखित में से किस नगर में आरंभ किया गया है, नई दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को कृत्रिम बुद्धि का जनक समझा जाता है, चार्ल्स बेबेज, ली डे फॉरेस्ट, जॉन मैकार्थी, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ से जो है ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कृत्रिम बुद्धि का जनक और कृत्रिम बुद्धि के रिगार्डिंग भी पूछा गया था कि कृत्रिम बुद्धि होती क्या है, ठीक है, और उसके कथन दिए गए थे। चिट्टागोंग जो शास्त्रागार छापे के पीछे महान क्रांतिकारी का दिमाग था, चिट्टागोंग, ठीक है, चिट्टागोंग आर्मरी जो रेड थी छापा था, शास्त्रागार छापा था, उसके पीछे महान क्रांतिकारी का दिमाग था, गणेश बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह। आगे क्वेश्चन है, सुरेश और सर्वेश विपरीत दिशा में चलते हैं, सर्वेश उत्तर की ओर बढ़ रहा है, 4 किलोमीटर का रास्ता चलने के बाद दोनों बाएं मुड़ जाते हैं और 4 किलोमीटर से और चलने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, सुरेश किस दिशा में की ओर देख रहा होगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम में या पश्चिम, दक्षिण पूर्व या पूर्व। निम्नलिखित आयु प्रेक्षणों 34, 27, 34, 34, 10, 34, 12, 34, 18 और जो है 27, 34 के लिए बहुलक का मान होगा, तो इसके लिए जो मोड ऑफ वैल्यू पूछ रखा है इसने कि मोड क्या होगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार जो वर्ड यूज होता है वही मोड होता है, तो यहाँ 34 एक दो तीन चार पांच बार पूछ रखा है, और जो 12 है वो एक बार, 27 जो है दो बार, तो इसका आंसर 34 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, जो है हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है,
तो नस अथवा सिरा या धमनी केशिका तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और कूटों का सही अर्थ जो है उत्तर दीजिए। एक सूची में दिए गए हैं ओकोलॉजी का अध्ययन, न्यूमिसेमेटिक्स का अध्ययन, यूजिनिक्स का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन। दूसरी में पक्षियों का अध्ययन, जैविक अवयवों के की अदला बदली का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन। तो इनका हमें उच्चतम से निम्नतम सिंचाई कवरेज के सही क्रम की पहचान है। जो सिंचाई की कवरेज है वो सबसे ज़्यादा किस में है, फिर कम होती हुई। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 में, सूची एक और सूची दो दी गई हैं, कौटिल्य, एक में दिया गया कौटिल्य, मनु, कल्हण, बाणभट्ट, राजद्रिंगिणी, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और हर्षरित। ठीक है, तो मनु ने और कल्हण के द्वारा राजद्रिंगिणी, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, मनु के द्वारा मनुस्मृति और बाणभट्ट के द्वारा हर्षरित। पी क्यू एल आई किसका संक्षिप्त रूप है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया, या पॉपुलेशन कोशेंट ऑफ लाइफ इन इंडिया, पॉवर्टी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया। अगला, 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? स्वराज, कालांतर, संजीवनी, आनंद बाजार पत्रिका। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? मानव की आयु, जीवाश्म की आयु, मानव शरीर का रोग, धातुओं की शुद्धता। पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंस में विभाजित था। ठीक है, निम्नलिखित में नीचे दिए गए विकल्पों में से इन प्रेसिडेंस के सही समूह की पहचान कीजिए। गोवा, मोजाम्बिक, मेलिका, ठीक है, मेलाका, गोवा, मेडागास्कर, मॉरिशस, गोवा, मोजाम्बिक, मॉरिशस, गोवा, रेनियो, मेलाका। निम्नलिखित में से किस देश और भारत ने, किस राज्य को हरियाणा में 2019 के सूरजकुंड मेले के लिए साझेदार के रूप में चुना गया? थाईलैंड और महाराष्ट्र, किर्गिस्तान, महाराष्ट्र, थाईलैंड और झारखंड, श्रीलंका और महाराष्ट्र। निम्नलिखित घटनाओं, आंदोलनों को निम्न उनके कालक्रम या तैथिक के सही क्रम के पहचानिए, यानी कि आपको जो है कौन सा कब हुआ था, और ये पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। रोलेट एक्ट, सत्याग्रह, स्वयं अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का बहिष्कार, भारत छोड़ो आंदोलन, ये पहले आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 के में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? कंवल सिंह चौहान, सुल्तान सिंह, नरेंद्र सिंह। दूसरा, कंवल सिंह चौहान, धूप सिंह, मनोहर लाल। तीसरा, नरेंद्र सिंह, अनिल कुमार, सुबीर दास। तीसरा, रूप सिंह, सुल्तान सिंह, धूप सिंह। मताधिकार का अगला क्वेश्चन है 72 का, मताधिकार का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मत देने का अधिकार, किसी भी व्यवस्था से मुक्ति, शिक्षा का अधिकार। पिछले दशक में, अगला क्वेश्चन, पिछले दशक के दौरान भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह किस क्षेत्र में हुए हैं? जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो उर्वरकों को छोड़कर रसायन में, दूसरा सेवा क्षेत्र में, खाद्य प्रक्रियण में, या दूरसंचार में। अगला, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 6 मीटर, 5 मीटर है या 6 मीटर है? प्रति वर्ग मीटर 5 मीटर के, प्रति वर्ग मीटर 5 रुपये की लागत, 4 दीवारों और छत के सफ़ेदी की कुल वह क्या होगी, कुल लागत जो है क्या होगा? 660 रुपये, 990 रुपये, 1060 रुपये या 810 रुपये? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 75। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च, 11 मई, 22 मई या 5 जून को? अगला क्वेश्चन है 78। ऑफिस
में समय नियमितता लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को आने जाने या यात्रा भत्ता प्रदान करना चाहिए। कंपनी का प्रभारी व्यक्ति प्रबंधक को कहता है। मान्यता है क्या है? यात्रा भत्ता समय नियमितता लाने में मदद नहीं करेगा। अनुशासन और पुरस्कार हमेशा साथ साथ चलने चाहिए। उपयुक्त कथन और मान्यताओं के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है? केवल मान्यता एक अंतर्निहित है, केवल मान्यता दो अंतर्निहित है, एक और दो दोनों अंतर्निहित है, एक न तो एक और न ही दो। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? संस्कृत, हिंदी, देवनागरी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है? कंपनी को सामाजिक मुद्दों पर धन व्यय करने का उत्तरदायित्व का बोध, कंपनी को प्राकृतिक पर्यावरण पर धन व्यय करने के लिए के उत्तरदायित्व का बोध, कंपनी को सामुदायिक विकास पर धन व्यय करने के उत्तरदायित्व का बोध, कंपनी को समुदाय पर्यावरण के धन के व्यय करने पर उत्तरदायित्व का बोध है। अगला क्वेश्चन, सूची एक और सूची दो दी गई हैं। सूची एक में द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, वाई आई एम एन एथिस्ट राजद्रंगिणी। तो इसमें जो है आपके सूची दो में दी गई हैं, कलहण भगत सिंह, डब्ल्यू मॉरलैंड, मुजफ्फर आलम। क्वेश्चन नंबर 80 का दिया गया है, एक किसी थैले में जो चार नीली, छह पीली, चार हरी गेंदे हैं, दो प्राकृतिक रूप से, दो यादृच्छ रूप से निकाले जाएं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? दोनों गेंदे नीली हों तो जो दो नीली गेंदे हैं उनकी प्रायिकता हमें पता करनी है कि उनकी प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पर चार नीली हैं, छह पीली और चार हरी हैं, इसके सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। हरियाणा में 2018 के आकलन अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का कितना रहा? 2018 के अनुसार ये तो 875, तो जिसने भी किया गलत है, जिसका भी प्रश्न है तो 914 इसका आंसर होना चाहिए। मोबाइल संचार व्यवस्थाओं में की भिन्न पीढ़ियों के बारे में निम्नलिखित में कथनों के में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम पीढ़ी 1G के समय में एक समय पर केवल एक अंशदाता एक सब्सक्राइबर को चैनल सौंपा जाता था। द्वितीय में जो 2G के अनुसार जो था मोबाइल संचार व्यवस्था में 5 MHz मेगाहर्ट्ज बहुवाहक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तृतीय पीढ़ी 3G के वॉइस कॉल और डाटा महत्वपूर्ण विशेषताएँ, और चौथी पीढ़ी 4G की मोबाइल संचार व्यवस्था में उपभोक्ताओं को बहुत से नेटवर्कों को ग्लोबल रोमिंग तथा मीडिया मल्टीमीडिया की सुविधाएं कहीं भी और किसी भी समय ज़्यादा तीव्र प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भोपाल गैस त्रासदी घटना घटी तो कौन सी गैस जो है वहाँ से रिलीज हुई थी? मेथाइल साइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड और मेथाइल नाइट्राइड, नाइट्रोजन साइनाइड। अगला क्वेश्चन है, 84 का आर्द्रता का माप करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर या पेडोमीटर या फिर पाइरोमीटर। अगला क्वेश्चन है 85 का, किसी एक ग्वाले के पास 20 लीटर दूध है और उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, जो कि 20 लीटर दूध, जो 20 लीटर शुद्ध दूध में मुफ्त है, पानी का कोई मूल्य नहीं है। यदि शुद्ध दूध की लागत 18 रुपये प्रति लीटर है तो मिलावट वाला दूध जो बेचने पर ग्वाले का लाभ कितना होगा? ए, रेल का डिब्बा विनिर्माण करने वाला संयंत्र 45 दिनों में 7 रेल डिब्बों का विनिर्माण करता है, 9-9 डिब्बों के साथ 7 रेलगाड़ियों का विनिर्माण में कितने दिन लगेंगे? अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म सर्दियों का मौसम उपभोक्ताओं के पैसा खर्च करने के मूड में ले आया, वह 13 वर्षों में सबसे अधिक होने वाला था। फरवरी के माह में मौजूद एकल परिवार के घरों की बिक्री 4.75 मिलियन की वार्षिक दर को पार कर गई है, यह पैराग्राफ किस कथन का सबसे श्रेष्ठ पक्ष लेता है? आज से 13 वर्षों में उपभोक्ता उच्च व्यय होगा, किसी अन्य माह की तुलना में फरवरी माह में ज़्यादा लोग घर लेंगे, खरीदेंगे,
फरवरी के माह के दौरान लगभग 4 मिलियन पर बिक्री के लिए उपलब्ध थे। गर्म सर्दियों के मौसम से घर की बिक्री की दर प्रभावित होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन 88 का, इस अनुक्रम को देखें। 80, 10, 70, 15, 60 अगली संख्या क्या होगी? 20 होगी, 25 होगी या 30 होगी, 50 होगी। किसी एक कूट में रैंडम को ओडी के जीएलपी के रूप में लिखा गया है, तो बताइए पार्डन को उस भाषा में क्या लिखा, किस में लिखा जाएगा? तो अभी देख सकते हैं MDOGLQ लिखा जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, या फिर हो सकता है, चलो क्यों भी है सभी में, आप देख लें। 90, भारत में आपदा प्रबंधन का ढांचा निम्नांकित का परिणाम है। ए में 2005 का संसदीय अध्यादेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 91 का, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में किस समय, अब इस समय जो है वर्तमान में कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? 3500 से कम, 3500 से 4500, 4500 से 6000 या 6000 से अधिक। इस अनुक्रम को देखें, 664, 232, 340, 170 और खाली स्थान, फिर 89। रिक्त स्थान पर क्या संख्या आनी चाहिए? 85 आएगा, 97 आएगा या 109 आएगा या 178 आएगा। आगे हरियाणा में चुनावों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? 1008 है, या फिर 1947, 1950 या फिर 1000। वर्ष 1995 में, अगला क्वेश्चन है 94 का, वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र नामित नवीन संगठन ने सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिज्ञा की है, क्योंकि यह विश्व बैंक जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उपनिवेशित बी का, उपनिवेशित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। सी, यूएन के संस्थापकों ने इसे श्वेत मानव बोझ समझा, या फिर डी में यूएन चार्टर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वैश्विक निर्धनता और विकास के बीच एक कड़ी बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 95, राष्ट्रीय पक्षी सरणे या फिर अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो यह पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है 2 से 3 बार, और अब फिर से, गुरुग्राम, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला। निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जननांग कीर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 फरवरी, 31 जनवरी, 14 मार्च या फिर 14 फरवरी। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार VVPAT का प्रयोग किया गया था? नगर चुनाव 2018, इसमें पंचायत चुनाव 2015, नगर चुनाव 2018, जींद विधान उपचुनाव, सभा चुनाव 2019, लोकसभा चुनाव 2014। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निम्नलिखित में से किसमें निर्दिष्ट की जाती है? मान्य राजनीतिक दलों के बीच एक ऐच्छिक समझौता, भारत के संविधान में स्थापित सिद्धांत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्वेश्चन नंबर 99, सूची 1 दी गई है और सूची 2 की दी गई है। लवण जल झील प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, विभ्रंश घाटी से बहती है नदी, ताजे जल की झील, तो गोदावरी, दामोदर, सांभर, वुल्लर। सांभर तो सबसे लवणीय झील है, वुल्लर जो है आपके ताजे के लिए है। अगला है, विश्व का प्रथम सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? परम, क्रे, या फिर पास्कलाइन, या फिर एनिक। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसी प्रकार से हम जो है आगे भी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो पहले जो आए हुए हैं, पहले के जो क्वेश्चन हैं, उनकी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हरियाणा जीके और उसका सॉल्यूशन भी आपको लेके आएंगे।
ठीक है। तो यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस के चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन HSSC से रिलेटेड आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, और आपको पता है कि 60 से 70% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यदि आप उसका बेनिफिट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और PDF के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू साथियों।